ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे चामुण्डाय विद्महे चामुण्डाय विद्महे ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे मैं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ॐ ऐं चामुण्डाय विद्महे ॐ ऐं ह्रीं चामुण्डाय विद्महे चामुण्डाय विद्महे विद्महे चामुण्डाय विद्महे ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे चामुण्डाय विद्महे ॐ ह्रीं चामुण्डाय विद्महे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को, ईश्वर को, उस ब्रह्मांड की शक्ति को, जो भी वो शक्ति है वो है, उसको प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज बहुत अच्छा दिन है कि आज फिर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। विशेषकर संगीत के बिना ध्यान कभी कभी अधूरा लगता है, और आदरणीय श्री रघुनाथ पंडित जी के बिना मेडिटेशन क्लास लगता था पूरी नहीं हुई, तो आज इन्होंने आके कृपा की है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग आए हो। ब्रजदीप भी आज आ गई हैं, तो आपको थोड़ा ट्रांसलेट कर पाएंगी, भावार्थ समझा पाएंगी। ये बहुत अच्छी साधिका हैं। इसकी तैयारी में दो बच्चियां श्वेता जी श्रिया जी कर रही हैं, उनको भी बहुत आशीर्वाद बहुत प्यार, महारानी कृपा करें। अनु जी को भी। हम मूलाधार चक्रा के बारे में, स्वाधिष्ठान चक्रा के बारे में, मणिपुर चक्रा के बारे में, हृदय चक्रा के बारे में, जिनको जिसको अनाहत चक्र भी कहते हैं, बात कर चुके हैं। ज़्यादा विस्तार से नहीं हुई, फिर भी जितनी की जा सकती थी की गई, और आगे जाने जाके भी करेंगे। आज हम विशुद्धि चक्रा के बारे में, जो पांचवा चक्रा है, जिसको थ्रोट चक्रा भी कहते हैं, जिसको कंठ चक्रा भी कहते हैं, उसके बारे थोड़ी सी बात करेंगे। चक्रा वास्तव में क्या है? बहुत लोगों के ऐसे प्रश्न आए, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। वास्तव में जो जे सात स्थान चक्रा के निश्चित किए गए हैं, वो एक एनर्जी चक्रा है। जैसे
एनर्जी की कोई पहचान नहीं होती है, महसूस होती है। इलेक्ट्रॉनिक शक्ति है, उसकी शक्ल क्या है, क्या आकार है, किसी को पता नहीं है क्या शक्ल है, अंदाजा है। जैसे कोई रेड कहेगा, लाल कहेगा, कुछ अपना अपना जैसा महसूस करता है। पर इलेक्ट्रॉनिक शक्ति गजब की है, ये सब जानते हैं। पॉजिटिव शक्ति भी गजब की है, उसी से बड़े बड़े थिएटर चलते हैं, बड़े बड़े प्लेन चलते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलती हैं, और सब कुछ आज इलेक्ट्रॉनिक शक्ति के बिना अधूरा है। ये शक्ति प्राण देती है, जान देती है, जैसे डॉक्टर लोग सर्जरी करते हैं, और बहुत सी जगह इसका काम है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। पर जैसे कभी उस शक्ति का विकराट रूप आता है, विकराल रूप आता है, कहीं दो वायर की गलत घर्षण हो जाता है तो पूरी बिल्डिंग को आग लग जाती है। कभी उसका विकराल रूप आता है, आप नंगी तार को छू दो, आपके उसी टाइम खत्म हो जाते हैं। जो आपको छू लेगा, आपको छू लेगा, उसको भी करंट पड़ जाएगा। तो जो ये चक्राज की शक्ति है, ये इस विद्युत शक्ति से भी बड़ी शक्ति है। और चक्राज वास्तव में एक गोल चक्कर है हमारे आसपास। जब वो चक्र स्थिर हो जाता है, जो आप साधना करते हो, आप महसूस करते होंगे कि जब वो चक्र स्थिर हो जाता है तो हम कहते हैं तेरा चक्र रुका हुआ है। जब चक्र घूमने लगता है तो हम कहते हैं तेरा चक्र एक्टिव हो रहा है। जब वो चक्र पूरी अच्छी स्पीड से जैसा चाहिए घूमने लगता है, कहते जी तेरा चक्र बहुत अच्छा है। जिसके 7 चक्राज अच्छे होते हैं, हम कहते हैं तू पूर्ण रूप से सक्सेस है, तू पूर्ण रूप से कामयाब है। जब उन चक्राज का बैलेंस नहीं होता है तो हम कहते हैं इम्बैलेंस है। पर किसी का कोई चक्र एक्टिवेट होता है, किसी का कोई होता है, किसी का कोई होता है, पर 7 चक्र का बैलेंस होना चाहिए। चक्र की वास्तव पॉइंट कौन सा है, जैसे ये हमारे कान हैं, कान के जो जैसे ये छेद हैं, इसको ऊपर एक रेखा खींच लो, फिर जहाँ जो ये थर्ड आई है, आँख के बीच का स्थान, जहाँ पे एक रेखा खींच लो, और बीच में जो केंद्र बनता है उसको वो उसके पीछे उसके आगे वो आपके चक्राज हैं। और गोलाकार एनर्जी ने हमें घेरा हुआ है। हमें आप सर्जरी करेंगे, देखेंगे तो फिजिकली कहीं कोई चक्रा दिखाई नहीं देता। ऐसे ही है जैसे मन की शक्ति दिखाई नहीं देती है, आत्मा की शक्ति दिखाई नहीं देती है, है सबसे बड़ी, उसी पे ही हम जीते हैं, उसी पे तरक्की होती है। इसी तरह परमात्मा की शक्ति भी दिखाई नहीं देती है। तो जो ये 7 चक्र हैं, उस प्रभु की शक्ति के, उस परमात्मा की शक्ति के, उस यूनिवर्स के, उस ब्रह्मांड की शक्ति के प्रतीक हैं। और इन चक्र को जागृत करने के लिए अच्छे गुरु की बहुत ही ज़रूरत है। जब तक प्रैक्टिकली आपके पास गुरु नहीं होंगे, प्राइमरी तो आप सीख लेंगे, पर आगे बढ़ना है आप अच्छे गुरु के चरणों में जाइए। जहाँ जहाँ भी आप बैठे हैं, जो जो भी आपके गुरुदेव हैं, उनसे जानने का प्रयास करें। Vishuddhi, Kant, or Throat Chakra. He's received many questions about what are 7 chakras, how are they connected to us. Now, our 7 chakras are the center of our energy. Just like we can feel electricity, we recognize the power of electricity, but we cannot see it. Our chakras are even more powerful than something like electricity, but they are, again, something that we cannot see, but we can feel. It is very strong and it exists. When our chakras are in
seven different points in our body, and they, when they are in balance, they are moving in a cycle, in a circle, in a wheel-like motion. Our chakras give us energy, life force. They connect us to the powers of the greater cosmic universe. And it's very important to have a guru to realize the true potential, the true power of our existence by activating, bringing all of our chakras into balance. ये चक्रा एक्टिवेट होता है, ये चक्रा पूर्ण बैलेंस में आता है तो क्या होता है? ये चक्रा जैसे हृदय चक्रा खुल जाता है ना, अनाहत चक्रा खुल जाता है तो हमारी फीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। हमें प्यार ही प्यार नजर आता है। हम संकीर्णता से, नैरो माइंडेड से ऊपर उठ जाते हैं। हमें लगता है कि पशु पक्षी सभी भाई बहन सब बच्चे हम एक परिवार हैं। किसी में बुराई कम से कम नजर आने लगती है और आती ही नहीं है। जैसे जैसे आपका हृदय चक्र बढ़ जाता है, आपको लगता है मैं कहाँ सेवा करूँ, किसकी हेल्प करूँ, कैसे करूं, माफ़ी देना, माफ़ी मांगना, हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना, ये हृदय चक्र से होता है। जैसे हृदय चक्र की एनर्जी ऊपर जाने लगती है तो ये हमारे जहां आती है, इसको हम थ्रोट चक्र, कंठ चक्र कहाँ कहेंगे, जहां जब शक्ति आती है तो गजब की चेंज होती है। कैसी चेंज होती है? आप जो भी बोलेंगे दिल से बोलेंगे, आप ऊपर ऊपर से बात नहीं कर सकते। प्यार होगा दिल से होगा, क्रोध आएगा दो मिनट के लिए आएगा दिल से, फिर गलानी होगी यार क्यों क्रोध आया। जिनका जे शुद्धि चक्रा पावरफुल होता है, थ्रोट चक्रा पावरफुल होता है, कंठ चक्रा पावरफुल होता है, फिफ्थ चक्रा पावरफुल होता है, आपको नाम याद नहीं रहते तो गिनती कर लेंगे, जो पांचवा चक्रा है, फिफ्थ चक्रा है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा हो जाएगा। जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको इस चक्रा को जरूर एक्टिवेट करना चाहिए। आप पब्लिक में बैठ करके बोल नहीं पाते हैं तो भी इस चक्रा पे ध्यान देना चाहिए। आप स्टेज के ऊपर जाने से घबराते हैं तो भी इस चक्रा को ध्यान देना चाहिए। आप कभी किसी इंटरव्यू में जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, मन में कोई कॉम्प्लेक्स आता है, समझ लेना आपका चक्रा कमजोर हो रहा है। बहुत से लोगों के पास नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, जानकारी होती है, मौका आने पर उनको याद नहीं रहता, प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करता, जब वो बात चली जाती फिर उनको लगता मुझे तो ऐसे कहना चाहिए था, ऐसे कहना चाहिए था। तो आपको इस चक्रा पे बहुत ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग बच्चे जो हैं, जैसे बचपन में हुकलाते हैं तो तलाते हैं बोलने में, अगर उनके इस चक्रा पे ध्यान दिया जाए तो ठीक हो सकते हैं। कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, बोलने में उनको परेशानी होती है, तब भी इस चक्रा को ध्यान देना चाहिए। आप भूल जाते हो तब भी इस चक्रा को ध्यान देना चाहिए। अगर आपका हार्ट चक्रा का इस चक्रा का बैलेंस हो गया तो आप वंडरफुल इंसान हो गए, आप कामयाब इंसान हो गए, आप अच्छे इंसान हो गए। अगर ये चक्रा एक्टिव नहीं होता है तो फिर क्या होता है? फिर होता है आदमी बड़ी बड़ी बातें करेगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा, उसको पता चलेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर झूठ बोलेगा वो, कभी कभी इतनी सफाई से झूठ बोलेगा आपको लगेगा उसने सच ही बोल दिया। कभी कभी इस चक्रा के ना जगने से, धीमा होने से, बैलेंस ना होने से व्यक्ति अपनी बड़ाई बहुत करेगा,
वो बार बार बताने की कोशिश करेगा कि मेरा उस व्यक्ति के साथ ऐसा रिलेशन, उसके साथ, उसके साथ, उसके साथ ऐसा ऐसा ऐसा। कभी कभी उन बातों को वो प्रैक्टिकल रूप नहीं देगा। जैसे उसके मन में कोई बात होगी, वचन में कोई बात होगी, कर्म में कोई बात होगी, फीलिंग कोई होगी, समझ लो जे चक्रा बैलेंस नहीं है। जैसे मैं आपको गुरुदेव का मैसेज देता हूँ, हम जो भी करें मन से, वचन से, कर्म से, भाव से करें। जब मन, वचन, कर्म, भाव इकट्ठे होते हैं तो ये चक्रा हमारा जागृत होता है। इसके ऊपर और भी बात करेंगे, पर इसका कलर जो है नीला है, ब्लू कलर है इसका, और आकाश तत्व है इसका। खुले आकाश में ध्यान करने से, जैसे वेदर अच्छा हो, खुले आकाश में ध्यान करने से ये चक्र बहुत जल्दी जागृत होता है। इसकी देवी नील सरस्वती जी हैं, मां नील सरस्वती जी का ध्यान करने से कृपा होती है। और जो इसका मंत्र है, मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि गुरु मंत्र जो है सब चक्रा को बैलेंस करता है, जागृत करता है। फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। इसका जो मंत्र है हम, हम न मैं, हम न मैं, हम न मैं, और अकेला हम, 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 तो इससे ये चक्रा जागृत होता है। और जैसे ये चक्रा स्पेशल जागृत हो जाता है, बहुत अच्छे बैलेंस में चला जाता है, तो वो लोग रिसर्च करते हैं पराविद्या से परे। जब इस चक्रा जागृत होता है, जो चीज़ आज तक थी नहीं उसकी रिसर्च कर लिया। जैसे जिन्होंने कभी प्लेन बनाया हुआ होगा, अभी कोरोना की वैक्सीन बनाई है और बड़े बड़े चीज़ें कोई रिसर्च की है, हम गिन नहीं सकते, तो उनका भी ये थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिव होगा, बहुत जागृत होगा। चाहे प्राचीन ऋषि मुनि हो और आधुनिक ऋषि मुनि हो, उनका जो थ्रोट चक्रा मैंने महसूस किया जागृत होता है, जिनको नज़दीक से देखने का मौका मिला। मेरा आधुनिक ऋषि मुनि से मतलब है जो डॉक्टर गण हैं बड़े बड़े, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बिजनेसमैन भी हैं, जो लोगों के भले के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वो आधुनिक संत हैं, वो मॉडर्न संत हैं। और आध्यात्मिक संतों का तो जगा हुआ ही होता है। जिनका जो चक्रा जगा होता है, उनकी संगीत विद्या में भी पारंगत होते हैं, उनकी संगीत विद्या में भी रुचि होती है। मैंने जहाँ जिन लोगों का चक्रा जगा है, उनकी ब्लू लाइट जहाँ बहुत बार देखी है। और जैसे आप ध्यान करोगे तो आपको भी जहाँ ब्लू कलर नज़र आने लगे, तो आप सोचना कि आपके चक्रा का बैलेंस हो रहा है। अभी हम क्लीनिंग करेंगे, विरेचन क्रिया करेंगे, और इस चक्रा के ऊपर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप ईमेल कर सकते हो। इसके लिए आगे और चर्चा करेंगे, आज हम थोड़ा सा और ध्यान की ओर बढ़ेंगे। हाँ बेटा, थोड़ा सा Guruji explains that as our Hridaya chakra or our heart chakra gets activated, the energy starts to move towards our throat chakra. And when our throat chakra is activated, whatever we say from the heart. Our presence of mind increases. We improve in our public speaking. We are able to speak better at important moments, such as interviews or whenever needing to do a key conversation. This chakra is also very important for children, for kids, especially if they stutter or they are delayed in beginning learning how to speak. If this chakra is not activated, you'll notice that someone whose throat chakra is not activated, they may say big things, but they're not able to follow through on them. They will speak very high of themselves, but it may not be fully true. Whatever they say will not be fully connected with their inner true self. The throat chakra's color is blue. The sky is the natural element that it connects with.
And the throat chakra's deity is Manil Saraswati, Manil Saraswati ji. And Guruji explains that the mantra for this chakra is Hum Name, Hum, Hum, Hum. Or alone you can say Hum, Hum, Hum. When this is activated, we are very creative. We are able to research and innovate on new things, new technology, new ideas. You may notice that this is very activated for creative people, such as scientists, doctors, and spiritual people, of course, as well, and of course for singers. And when this chakra is activated, you may notice during meditation a blue light around your throat chakra. And now we will cleanse ourselves. Move to the Vrechan Kriya part of meditation. Please close your eyes, open your palms, keep your back straight. Vam Rum, 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 Vam Vam Rum, 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 Vam Rum. Slowly, slowly, slowly. मन में वाम रूम का जाप करें, आपके लिप्स भी ना हिलें, सबसे उत्तम जाप होगा। मन में भावना करें, फील करें, प्रेयर करें कि ईश्वर, हे भगवान, जो आपके इष्ट देव हैं, हे माता रानी, हे गुरुदेव, मेरे अंतर से सब नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकाल दो। वो मेरी बुद्धि की वजह से हों, उनका कारण कोई जलसी, नज़र दोष हो, ग्रह दोष हो, कोई भी दोष हो। दोस्तों, मेडिटेशन में, मंत्र जाप में ऐसी ऐसी विधियां हैं, ऐसी शक्तियां हैं कि चाहे आपका पितृ दोष हो, मातृ दोष हो, कुल देवता दोष हो, कुल देवती कुल देवी दोष हो, वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो, सब दोष आपके नष्ट हो जाते हैं। जैसे जे क्लीनिंग करते हो, जे विरेचन क्रिया करते हो,
इससे आप बिल्कुल प्योर हो जाते हो, पर आप मन वचन कर्म भाव से करो। जैसे आप करके निकलोगे, आप एक अलग से व्यक्ति होंगे। कभी कभी आपको महसूस होता है जब आप टेंपल जाते हो, किसी शक्ति पीठ जाते हो, श्री गुरुद्वारा साहब जाते हो, कहीं चर्च में जाते हो, कहीं दरगाह में जाते हो, कहीं धार्मिक समागम में जाते हो, किसी महापुरुष से मिलते हो, किसी गुरु से मिलते हो, किसी सिद्ध पुरुष से मिलते हो, आप अचानक शांत हो जाते हो। आप 5 मिनट के लिए गए थे, आपका उठने को मन नहीं करता, 15 मिनट भी हो गए, आपका उस जगह से जाने को मन नहीं करता, आप आते हो एकदम शांति फील हो जाती है। इसका मतलब है कि आपको उस महापुरुष की, उस स्थान देवता की शक्तियाँ मिलनी शुरू हो गई, उन्होंने क्लीन कर दिया आपको। हे माता रानी, हे भगवान ईश्वर, जो भी बच्चे ध्यान में बैठे हुए हैं, उन आप सब की सब उन सब की नकारात्मकता को क्लीन करो, उनकी सब की नेगेटिविटी को क्लीन करो, आपके चरणों में जा सकें, आपके चरणों में बैठ सकें, आपकी शक्तियों का अनुभव हो। शक्ति क्रिया मुद्रा कराओ बेटा, मास्क उतार ले 1 सेकंड के लिए, है ना। नाउ लेट्स डू द शक्ति क्रिया मुद्रा। प्लेस योर रिंग फिंगर एंड मिडल फिंगर ओवर योर आईज, योर इंडेक्स फिंगर ऑन योर फोरहेड, योर पिंकी शुड बी टचिंग योर चीक एंड योर थंब्स शुड बी ऑन योर ईयर्स। कीप योर बैक स्ट्रेट। धीरे धीरे कैंसिल करें। जब ये चक्र जागृत होता है बच्चों का, तो तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा कुछ छोटे बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं आपको। हम ऊब जाते हैं, कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं कि बच्चा इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। उसका चक्र एक्टिवेट हो रहा है, और उनके बच्चे के प्रश्नों को ज़रूर जवाब दें। आपको नहीं पता है सही आंसर तो ढूंढ के दें, स्टडी करके दें, पर उसको ज़रूर आंसर दें। जैसे और चक्र जागृत हो जाता है, तो आप किसी रिसर्च की ओर लग जाते हैं, जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप बहुत पारंगत हो जाते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उसमें और आप स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फिल्म कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, फाइनेंस के विद्यार्थी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के विद्यार्थी हैं, कोई कंपटीशन दे रहे हैं, अलग अलग विधियां हैं इसकी अलग अलग व्यक्तियों के लिए, पर सामूहिक रूप से जो विधि है उसकी ओर आज हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट फिर और बात करेंगे इस चक्रा के बारे में। आप अपने आज्ञा चक्रा से, क्योंकि ध्यान तो हम आज्ञा चक्रा का ही करेंगे, सबसे बलशाली ध्यान है, उससे रेजज हम कंठ चक्रा को देंगे आज। कंठ चक्रा को हील करने की कोशिश करेंगे। मैं अपना एक आपको अनुभव बताता हूँ। कुछ साल पहले मेरा गला बहुत ख़राब हो जाता था, बहुत जल्दी, वो इतना ख़तरनाक होता था कि बहुत मुश्किल हो जाती थी, बहुत हैवी दवाई लेनी पड़ती। तो मैं
ऐसे कुछ 8-9 साल की बात है, मैं ऋषिकेश गया। वहाँ पे ऐसे घूमता घूमता मैं, मेरे प्रेमी हैं, ऋषि हैं, संत महात्मा हैं, उनके चरणों में गया, सदा जाता हूँ जब भी जाऊँ। तो बोले, बेटा तेरा आज्ञा चक्र बहुत पावरफुल हो गया, नाभि चक्र, तू इसको कंठ चक्र को ध्यान नहीं देता। मैंने कहा नहीं देता। उसके बाद ध्यान देना शुरू किया। आप लोगों का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा के, जनरल वेदर की वजह से कुछ हो जाए तो गला ख़राब नहीं हुआ कभी। आपको भी जल्दी जल्दी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है थायराइड के बारे में, गले के बारे में, गले के आसपास की जो नाड़ियां हैं उसके बारे में, तो आप थ्रोट चक्रा को ध्यान देंगे तो आपकी बात बन जाएगी, पूर्ण विश्वास के साथ। अभी हम हसा का लाह रीम का जाप करेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखने की कोशिश करें, सीधे बैठें, आज्ञा चक्रा में अपने इष्ट का ध्यान करें। हसा का लाह रीम, 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 हसा काला हरीम, 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 हसा काला हरीम। थोड़ा फास्ट। हसकल हरीम, हसकल हरीम, हसकल हरीम, हसकल हरीम, सकल हरीम, हसकल हरीम, हसकल हरीम, कल हरीम, हसकल हरीम, हसकल हरीम, हसकल हरीम, कल हरीम, हसकल हरीम, हसकल हरीम, हसकल हरीम, सकल हरीम, हसकल हरीम, हसकल हरीम, हसकल हरीम, हसकल हरीम, हरीम, हसकल हरीम, हसकल हरीम, हसकल हरीम, हरीम, हसकल हरीम, हसकल हरीम, हसकल हरीम, हसकल हरीम, कल हरीम, हसकल हरीम, हसकल हरीम, हसकल हरीम, हसकल हरीम, हसकल हरीम। मन में मंत्र का जाप करें। बेटा 20 टाइम डीप ब्रीथिंग, बेटा सांस लेना, रोकना, निकालना, लेना, कराओ। आंख बंद रखेंगे। Now while keeping, continue to keep your eyes closed, we will deeply inhale and exhale 20 times. So just follow me. Inhale. गहरी सांस लेंगे नाभि तक। When you're inhaling, inhale deeply to your nabhi, your belly button chakra. Exhale. Inhale.
Okay. Inhale. Hold. Exhale. 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 Inhale. Hold. Exhale.
relax your breathing now. Continue to keep your eyes closed. Slowly, slowly, अपनी एनर्जी मूलाधार चक्र को दें। मूलाधार चक्र से सेकंड चक्र को, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र को दें। हार्ट चक्र, अनाहत चक्र को दें। ऐसे ज्यादा फोकस सभी कंठ चक्र को अपनी एनर्जी दें, उसको क्लीन करने की कोशिश करें। इमेजिन करें ब्लू कलर की जो रेजेज हैं वो निकल रही हैं, ब्लू चक्र का गोला घूम रहा है। ब्लू कलर वास्तव में डार्क ब्लू नहीं, जैसे कभी आप हवन करते हो या वैसे कभी अग्नि को जलते देखा होगा, तो कभी कभी धुएं का कलर थोड़ा ब्लू जैसा होता है, काला नहीं होता, थोड़ा ब्लू होता है, ऐसा ब्लू कलर। जैसा रियल ब्लू सफायर का कलर होता है जो बिना कलर के होता है, ऑर्गेनिक होता है, जैसा कलर उसका होता है उससे मिलता जुलता, नेचुरल। जैसे आप कंठ चक्र को प्यार करने लगेंगे, कंठ चक्र की ओर ध्यान देंगे, आपको झूठ बोलने से नफरत होगी, झूठ बोलने से नफरत होगी, झूठ सुनने से नफरत होगी, निंदा चुगली से नफरत होगी आपको, जलसी से नफरत होगी आपको। जैसे आप इसके ऊपर चले जाएंगे तो आप आज्ञा चक्र में हो जाएंगे, आप एक सिद्ध पुरुष बन जाएंगे। सिद्ध पुरुष, सजग पुरुष, जो सिद्ध तो होता है वो सजग भी होता है, सावधान भी रहता है कि कोई बुराई उस पर अटैक ना कर दे, कोई नेगेटिव अटैक ना कर दे। वो दुनिया में रहता हुआ भी दुनिया में नहीं होता है, उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है, वो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। ये चक्र ज्ञान का चक्र है, नॉलेज का चक्र है। एक तो ज्ञान जो दुनिया में काम आता है, आपने रिसर्च की, आप जो काम करते हो उसमें पारंगत हो गए, आपका जो सब्जेक्ट है, भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में सब अदाकार हैं, सब आर्टिस्ट हैं, तो जो अदा करने को दी है आपको, जो करैक्टर दिया है उसको आप बढ़िया निभाओगे। पर जब इस चक्र पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, तब आप उस एक्टिंग को निभाते निभाते एक संत पुरुष हो जाओगे, आप उस परमात्मा में लीन हो जाओगे, उस भगवान के चरणों में लीन हो जाओगे, आपके लिए दुश्मन दोस्त एक हो जाएंगे,
आपको किसी से नफरत नहीं रहेगी। और इसके बाद में दोस्तों आज्ञा चक्र की बारी आती है। सिंपली आज्ञा चक्र थोड़ा थोड़ा सबका एक्टिवेट होता है, और रियल में जो संपूर्ण आध्यात्मिक बनना है, संपूर्ण रूहानियत में जाना है, सीधा मोक्ष में जाना है, दिव्या शक्तियों को महसूस करना है, वो इस चक्रा के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। एक शब्द आता है प्रज्ञा चक्षु खुल जाना। तो जैसे ये चक्रा हमारा एक्टिव होता है, हमारे प्रज्ञा चक्षु खुल जाते हैं। हमारी थर्ड आई को खोलने वाला वास्तव में यही चक्र है। सीधी थर्ड आई नहीं खुलती है, इस चक्रा के बाद जाकर के ही कुंडलनी जागृत होती है। आप अपने इष्ट का ध्यान करें, आप उनके चरणों में चले जाएं। उनसे अपनी प्रेयर, अपनी प्रार्थना, अपनी कथा, अपनी व्यथा कहें उनको। अपने संकल्प का, अपने गोल का ध्यान करें। प्रेजेंट में माता रानी ने आपका गोल, आपका संकल्प पूरा कर दिया। अपने संकल्प को, अपने गोल को पूर्ण होने पर एंजॉय करें, फील करें कि माँ की कृपा हो गई। मयूरपंख मुद्रा करेंगे। श्रेया जी करो। धीरे धीरे बेटा कैंसिल करो। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज, माता रानी, इस ब्रह्मांड की शक्ति आप पे बहुत कृपा करे, आपके गोल पूरे हों, आपके संकल्प पूरे हों, आप भगवान के चरणों में लगे। नीला कलर हमारे धर्म में, हमारे भारत की जो संस्कृति है उसमें बहुत पवित्र माना गया है। आपने नोट किया होगा, श्री राम भगवान का कलर भी नीला था, भगवान शिव जी का, माँ नील सरस्वती जी का और बहुत सारे देवताओं का, उनका कलर नीला नहीं था। जिस भी सिद्ध पुरुष ने, महापुरुष ने देखा होगा उनकी नीली रेजज को, जहाँ से देखा होगा तो नीला कलर बना दिया, बाद में आर्टिस्टों ने भी बना दिया, कुछ और भी हो सकता है। तो आप नीले कलर को पवित्रता के रूप में ले करके इस चक्रा पे ध्यान करें। वास्तव में ये चक्रा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। माँ नील सरस्वती कृपा करें आपके सभी चक्रा का बैलेंस हो, कंठ चक्रा का बैलेंस हो। अभी हम पंडित जी का आशीर्वाद लेंगे। प्रभु गिरधर नंदन,
पास गई गुरु चरण की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, पास गई गुरु चरण की, मुगलाई लगन चरण की गुरु चरण की गुरु चरण मुगलाई लगन गुरु चरण की गुरु चरण की गुरु चरण की वो मैं चामुंडाए विचे चामुंडाए विचे सा जितना ही